तो जी मैं इस समय हूँ लाजपत नगर में, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप दिल्ली के निवासी हैं आप लाजपत नगर अपनी लाइफ में ना आए हो। कुछ लोग शॉपिंग करने आते हैं और कुछ लोग मेरी तरह खाना खाने आते हैं, तो भाई मैं आया हूँ तो ऑफकोर्स आपको खाना खिलाने ही लेके आया हूँ। और आपको आज लाजपत नगर की एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन चार ऐसी दुकानों पर लेके जाने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग फूड सर्व करती है। मुँह में पानी तो आ ही रहा होगा, लेकिन आज का एपिसोड ना यार कुछ ऐसा नहीं है। आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि मैं आज आपको मिलवाने वाला हूँ बहुत ही स्पेशल लोगों से। मुझे उनकी इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत भी नहीं है, एक बार आपको दिखाऊंगा ना आप पहचान ही जाओगे। मिलवा देता हूँ, आ जाओ फिर पाजी। ओके। रमनीक सिंह 13-13, उनके ये दो बच्चे और हमारी ये भाभी। भैया इनको तो पूरा जहान जानता है, बहुत फेमस टिकटॉकर रह चुके हैं, इंस्टाग्रामर हैं, यूट्यूबर हैं, और इनकी तारीफ में जितनी बातें कहूँ उतनी कम है। तो भाई मैं इनको आज पता क्या क्या खिलाने वाला हूँ, राम लड्डू, मोमोज, छोले कुलचे, चाइनीज प्लेटर, बहुत कुछ है। आप क्या खाओगे? आपका फेवरेट कुलचे? अरे और आप? अरे क्या बात। आज ये शुरुआत कर रहे हैं यहाँ के फेमस राम लड्डू से, उसके बाद चलते हैं। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इतने सारे स्पेशल लोग आज मेरे साथ है ना, खाना भी होगा, बातें भी होंगी और मजा भी होगा। चलिए सबसे पहले राम लड्डू वाले पर चलते हैं। तो जी फाइनली जो वो प्लेट है राम लड्डू की हमारे पास आ चुकी है, और मैं तो बहुत सालों से खा रहा हूँ, इन सबका फर्स्ट टाइम है, तो पहले इनको खिलाएंगे फिर हम खाएंगे। पाजी पहले आप उठा लो। आप खाओगे? आप नहीं खाओगे? ये बहुत टेम्पटिंग लग रहा है गाइस। और जेन्युइन एकदम पाजी, मजा आए तो बताना, ना आए तो बताना। बहुत बढ़िया है यार। सो नाइस गाइस। एकदम सॉफ्ट और बाहर से कड़क, अंदर से सॉफ्ट, और जो स्पाइस है वो भी बढ़िया लगा, मुझे तो अच्छा लगा। आपको? आई लव इट, आई लव द क्रिस्पीनेस ऑफ इट। ये अंदर से इतना सॉफ्ट है और इसके स्पाइसेस आर परफेक्ट मैन। आपको? देख लो भैया मेरे से अच्छा रिव्यू तो ये देना शुरू कर दिया इन्होंने कि बाहर से एकदम खस्ता है, अंदर से एकदम सॉफ्ट है और बहुत बढ़िया। भाई सच में लाजपत नगर के सबसे बढ़िया राम लड्डू है ये, और दिल्ली में भी बहुत जाने जाते हैं इनके राम लड्डू। सबसे खास बात ये है इनकी जो चटनी है ना हरी वाली, भाई वो बहुत ज्यादा स्पेशल है, साथ में मीठी सॉल्ट और साथ में करारे खस्ता एकदम राम लड्डू, और ऊपर से मूली और साथ में वो पालक के पत्ते। तो भाई शुरुआत हो चुकी है, अच्छी शुरुआत हुई है जी, बहुत बढ़िया शुरुआत अच्छी हुई है, तो एंड भी ऑफ कोर्स अच्छा ही होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं लाजपत नगर मार्केट में। सो जी जो हमारी सेकंड डेस्टिनेशन है वो है डोलमा आंटी के मोमोज। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे विचार हैं इनके मोमोज के बारे में, लेकिन भैया ये जानना बहुत जरूरी है कि पहला मोमो स्टॉल जो लगाया था ना दिल्ली में वो डोलमा आंटी ने लगाया था। तो डोलमा आंटी ने मोमो स्टॉल लगाया और यहीं से जो मोमोज है वो पॉपुलर हुए। आइए हम भी चलते हैं, इनको खिलाते हैं मोमोज। आप लोगों को मोमोज पसंद है? मेरे तो फेवरेट है। अरे वाह, तेरे? भी मैं तो पनीर ले रहा हूँ। आप पनीर लो, मैं वेज लूंगा। आ जाओ जी। दो तरीके की चटनी होती है इसके अंदर, एक होती है बहुत तीखी, एक होती है थोड़ी सी माइल्डली स्पाइस्ड। तो जैसा तीखा आप खाना पसंद करते हैं वैसा लीजिए, क्योंकि इनको कम तीखा खाना पसंद है, इन्होंने खा लिया है ज्यादा मिर्ची वाली, धुएं निकलना शुरू हो चुके हैं इनके। मेरे लिए सेट है, मेरे लिए सेट है। अरे मैं तो बहुत स्पाइसी खाता हूँ, ये स्पाइसी वाले बंदे हैं। दूसरी वाली चटनी इज गुड, हां आप प्लीज वही खाना। अब इनको लेके जाते हैं तीसरे स्पॉट पे जो कि मेरी फेवरेट है, CRMG के छोले कुलचे। क्या बात, उनका सेटअप देख के ना आप सबके चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ जाएगी और इसके चेहरे की और बढ़ जाएगी, क्योंकि ये कुलचे खाएगा वहाँ जाएगा। कुलचे की वेट कर रहा है कब से। भाई हमारी किस्मत बहुत अच्छी है कि हमें CRM के पास आके आखिरी जो छोले की कुलचे की प्लेट थी ना वो मिल गई है। बहुत लकी है, क्योंकि क्योंकि मैं चाहता था आपको कि आप ये टेस्ट करें, और उन सबको भी जो भी लाजपत नगर आते हैं इनके जो छोले कुलचे हैं पर्सनली मेरे वन ऑफ दी फेवरेट्स। तो भैया मेरे तो पसंदीदा है ही है, अब आप लोग खाएं और बताएं कि आपको कैसे लगे। सबसे पहले आप खाइए क्योंकि सबसे ज्यादा एक्साइटेड ही है। हाँ, सबसे पहले आप सियान खाने वाला है क्योंकि हाँ ये खाएंगे, पहले से कुछ भी नहीं खाया इन्होंने। बताओ भाई साहब, आप बताओ कैसा लगा उधर देख के। यम्मी है, यम्मी है। देखो भाई मैं तो टेस्ट ये पहले ही पास कर चुका हूँ, अब सियान ने भी टेस्ट जो है वो पास कर दिया, इनको भी पसंद आ गए। अब हम तीनों चारों मिलके खाते हैं और फिर अब ये दोनों भी आपको टेस्ट बताते हैं। ठीक है चलो। लो जी मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। थैंक यू। फर्स्ट क्लास है गाइस, वी आल्सो लव इट। ठीक है, एज गौरव हैज सेड बहुत मजा आ रहा है एंड वी आर जस्ट एंजॉयिंग द होल डे विद हिम। हाँ, बहुत मजा आ रहा है। घर से बाहर निकाला है मैंने इनको, मैंने बोला बहुत कंटेंट आपने घर पे बना लिया। हाँ। अब लोग चाहते हैं कि आप बाहर निकले हमारे साथ और हमारे साथ फूड एक्सप्लोर करिए, क्योंकि इनका एक नया चैनल भी आने वाला है। कौन सा भाई? RS1313 फूडी। इनके सारे चैनल में आपको RS1313 मिलेगा, बस RS13 सर्च में डाल देना, 6-7 चैनल हैं इनके वो आ जाएंगे।
सारे सब्सक्राइब भी कर देना भाई, वो भी बहुत जरूरी है। वैसे तो मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, वैसे ही बहुत फेमस है मेरे से तो बहुत ज्यादा, लेकिन जितने सब्सक्राइबर मिले उतने कम। ये इनका बड़प्पन है, 50-50 मिलियन इनकी वीडियो जाती है। चलो बढ़िया, कैसे लगे जी आपको? मुझे बहुत अच्छे लगे गाइज, ये गजब, ट्रस्ट मी, इसमें जो खट्टापन है ना, आई लव इट। सबसे बड़ी बात क्या है गाइज, ये जो बनाते हैं लोग, ये बहुत ही ग्राउंड, मतलब जिसे बोलते हैं ना, बहुत ही डाउन टू अर्थ है, और ये बैठे भी अर्थ के ऊपर ही हैं। तो मजे की बात ये है कि मतलब बहुत ही अच्छे लोग लगे मुझे तो, एंड जो अच्छा लगा होता है वो काम भी अच्छा करते हैं। तो भैया ये छोले कुलचे का स्वाद अब मैं ले लेता हूँ इनके साथ, और उसके बाद आगे लेके चलता हूँ इनको, क्योंकि बच्चे बड़ी देर से कह रहे हैं कि आप हमें इतनी देर से घुमाते जा रहे हो, कुछ चाइनीज़ भी खिला दो। तो अब इनको यहाँ का चाइनीज़ प्लेटर ट्राई कराता हूँ, और आपको ही बताता हूँ कि वो कौन सी जगह है। और जितनी भी जगह हम आपको आज घुमा रहे हैं ना, इन सब का एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो चिंता मत करो। इंडिया में किसी भी कोने से आ रहे हो लाजपत नगर, खाने की टेंशन मत लेना, उसके लिए हम हैं आपके लिए। तो जी मेरे जितने भी दोस्त यार भाई बहन रिश्तेदार आते हैं ना, इधर से एंट्री करते हैं 3C से, गोल्डन फेस्टा सबसे पहले रुकते हैं, पेट पूजा करते हैं, फिर शॉपिंग करते हैं। अब पेट पूजा में क्या क्या करते हैं जी, यहाँ पे इनके स्लश बहुत फेमस है, इनके वॉफल अभी इन्होंने स्टार्ट किए बहुत फेमस है, उसके बाद इनका ये प्लेटर लाजवाब। तो इनका जो चाइनीज प्लेटर है ये 250 रुपए का, प्योर वेज है, और इसके अंदर आप देखो क्या क्या है, हनी चिली पटेटो, चिली पनीर, मंचूरियन, नूडल्स, स्प्रिंग रोल, मिक्स वेज, ग्रेवी। आपका क्या फेवरेट है वैसे? मेरा ये चिली पनीर, चिली पोटैटो, चौमिन, स्प्रिंग रोल, दीज आर माय टॉप। छोड़ा ही नहीं आपने कुछ। तो ये आपने आइटम ही अच्छी रखी है। तो भाई इनका तो ये चाइनीज प्लेटर फेवरेट है, इन्होंने आते ही मेरे को बोला था कि मैं तो भाई कुछ चाइनीज खाऊंगी वीडियो में, उसके बाद मेरी वीडियो कम्प्लीट होगी। खाओ जी आप बताओ फिर। हाँ आप भी करो। सियान भी खा रहा है, सियान भी खा रहा है भाई। देखो सियान ने बोला सिर्फ छोले कुलचे खाऊंगा, लेकिन ये भी खा रहा है, इसका फेवरेट है गाइस, ये चिली पोटैटो, चिली पनीर, ये सब बच्चों को होता है। हाँ आप भी लीजिए प्लीज। मैं भी लेता हूँ। कैसा है सियान? वाह, इससे बढ़िया चाइनीज प्लेटर या चाइनीज थाली आपको 250 में और कहीं नहीं मिलने वाली। और साथ में इतनी बढ़िया बढ़िया ड्रिंक्स है भैया, कोल्ड कॉफी है इनकी विद आइसक्रीम है, इनका ऑरेंज स्लश है, और ये पी चुके हैं, ये दो पी चुके हैं ऑलरेडी, अब वॉफल की तैयारी है। तो हम ये फिनिश करते हैं और इसके बाद आपको खिलाते हैं इनका बहुत ही बढ़िया बेल्जियन वॉफल, जो कि बनाया जाता है ब्राउनी के साथ। तो भाई मुझे लगा था कि ये जो पूरा वॉफल है ये मिलेगा हमें, लेकिन यहाँ पे देखो हमें मिल रहा है आधा वॉफल, और ये है ब्राउनी वाला वॉफल। लेकिन ब्राउनी में कोई कंजूसी नहीं है, उसकी तो गारंटी है, देखो कितनी सारी गई, बाप रे बाप। और ऊपर से डली है इसके अंदर आइसक्रीम, ढेर सारी चॉकलेट सॉस। अब कैलरीज इसके अंदर कितनी है, अगर आपने उसकी चिंता की तो आप वॉफल नहीं खा पाओगे। लाजवाब वॉफल, फुल ऑफ ब्राउनी, फुल ऑफ आइसक्रीम, फुल ऑफ चॉकलेट मैन। ये है 150 रुपए का वॉफल जो आपको मिलता है सिर्फ गोल्डन फिएस्टा में। इसके अलावा बहुत सारे और भी ऑप्शन हैं। ये देखो जी ऊपर से गई इसमें चॉकलेट सॉस, और इसके अलावा आपको और भी बहुत सारे तरीके के जो वॉफल है ना यहाँ मिलते हैं। आप फ्रूट वाला ले लो, जेम्स वाला ले लो, न्यूटेला वाला ले लो। सो भैया वॉफल आने से पहले इन दोनों के हाथ में स्पून थी, और बड़ी मुश्किल से हमने इनको बोला एक मिनट रुक जाओ, उसके बाद उसके बाद कर लेना। चलो जी शुरुआत आप दोनों ही करो, बताओ फिर कैसे है इनके। ये आइसक्रीम लगाओ, वॉफल लो, ब्राउनी लो, चॉकलेट लो, लोडेड वॉफल है 150 रुपए के अंदर भाजी। मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा आपको वॉफल कहीं मिलने वाला है, इतना लोडेड। अब यही बताएंगे बच्चे खा गए, यही पास करेंगे, ये आइटम ही बच्चों की है, हमने क्या ही खानी है। सियान कह रहा है एक ही बाइट में मैं सब कुछ ही खा जाऊं। अब इसका रिव्यू भी यही करेंगे। चलो सियान बताओ जी कैसा लगा फर्स्ट बाइट? बहुत यम्मी है, बहुत अच्छा है। तो ये तो पहले खा ले, इसका मुंह भर गया। देखिए खाना ना, खाना खाना एक ऐसी चीज है जो ना आप रिएक्शन से पकड़ सकते हो कि भैया मजा आया कि नहीं आया। अब कितना मजा इनको खा के आया ये तो आप अंदाजा लगा ही सकते हो, भाई इन्हें मजा आ गया तो हमें मजा आ गया। उसका हाथ रुक नहीं रहा है। आप ये दोनों खत्म कर लोगे ना अकेले? हाँ, तो भाई इन्हें कोई खत्म करने देते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा इनके साथ कोलैबोरेशन अच्छा लगा हो, और अगर लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इनके 6 चैनल है, सबका नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन RS13 आप बस सिर्फ डाल लेना सर्च में, 6 के 6 चैनल आ जाएंगे, और सबको सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक यू, और कोई करो ना करो RS13 फूडी। हाँ इनका नया चैनल आ गया भाई, RS13 फूडी, सारे लोगों का घर बार अब इन्होंने ध्यान ले लिया है, मतलब सबके प्रोफेशन इन्होंने खा लिए हैं। अब हम इनके पास जाएंगे, भाजी थोड़ा सा हमारे पे भी दया करो। बट एनीवेज वी लव फॉलोइंग देम एंड वी लव देम, एंड ऑफ कोर्स तभी शायद आज हम इनके साथ हैं और ये हमारे साथ हैं। और आप इनको प्लीज फॉलो करिए, बड़ा मजा आएगा आप इनकी वीडियोस देख के, वेरी क्रिएटिव वीडियोस, साथ साथ खाने की वीडियोस भी आने वाले, उसमें आप मेरे को कहीं ना कहीं जरूर देखोगे। शुरुआत में मेरे को ले लेना पहले, शुरुआत ही आपसे करी है, शुरुआत ही आपसे करी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी, जाइए जल्दी से लाइक कीजिए, और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि खाते रहिए, खिलाते रहिए, और दिल लगाते रहिए। अगली बार हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई जगह पे, एक नए खाने की तलाश में। अंटिल देन गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई लव यू ऑल।